अभी ये जो है डबल लैंडिंग वॉल है, इसमें दो पाइप जो है हम अटैच कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो अभी ये जो है इसमें हम लोग अटैच करने वाले कैनवास का पाइप, ये जो कैनवास का पाइप है ये 15 मीटर का है, 15 मीटर का है इसका लेंथ जो है, और यहाँ पे जो मेल कपलिंग है ये फीमेल कपलिंग में अटैच होती है। इसको लगाने के लिए क्या करना है, इसको कैप को आपको निकालना है, ये कैप है, इसको सेफ्टी कैप को अपने बाजू में निकाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ये सिर्फ आपको पुश करना है, अंदर की तरफ पुश करना है। देखिए अभी आवाज़ है, ये लॉक हुआ है, लेकिन हमेशा हमने पहले ही चेक किया है कि इसमें जो है रबर का जो वॉशर रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो पानी यहाँ से लीक होता है और प्रेशर थोड़ा सा हमें प्रॉपर मिलता नहीं। इसके बाद जो है यहाँ पे लग्स दिए हुए हैं, इसको क्या करना है आपको ओपन करना है, जहाँ पे भी फायर फाइट करना है वहाँ पे आपको लेके करना है। इसके बाद में पानी के फोर्स के लिए आपको पाइप को देखना है, कहीं पे मुड़ना नहीं चाहिए, पाइप स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये ब्रांच पाइप है, शॉर्ट ब्रांच पाइप इसको बोलते हैं, अलग अलग टाइप के ब्रांचेस होते हैं पानी का फ्लो देने के लिए। तो ये जो है इसका रबर भी आपको चेक करना है हमेशा, ये अभी इसमें लॉक हो गया है, अगर निकालना है तो इस तरह से अकेले आप निकाल सकते हो। इसको यहाँ पे पुश किया, देखते हैं कि ये पाइप जो है ये कैसे होल्ड करना है, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए। सबसे पहला लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पे लॉक करना है, बीच का पोजीशन जो है, बीच का जो पार्ट है उसको होल्ड करना है इस तरह से, यही हाथ को नीचे से लेना है और यहाँ पे लॉक करना है। यहाँ पे लॉक करने के बाद प्रॉपरली आपका पैर का पोजीशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप जो है प्रेशर संभाल पाओ। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 3 से 4 लोग लगते हैं तभी जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी आया है अभी, इस तरह से इसको फ्लो को हम लोग जहाँ पे की आग लगी है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको जाने दीजिए, लेफ्ट साइड में लीजिए पाइप क्रॉस कर दीजिए, चालू ले रहा हूँ लेफ्ट साइड। देखिए किस तरह से ये जो है पाइप कहाँ तक जाता है आप देख सकते हो, पानी का अच्छा फोर्स मिल रहा है। ये अभी फोर्स जो है ग्रेविटी फोर्स है, अगर बूस्टर का हमने चालू किया और लंबा जाएगा, मेन हाइड्रेंट पंप चालू किया उसमें भी लंबा जाएगा। इस तरह से हर फ्लोर पे दिया हुआ है, जो कैनवास फोर्स पाइप है हर फ्लोर पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो अच्छा फोर्स जो है मिल रहा है। लाइन कट ऑफ करो,